साहब देखना दूध रख के भूल गए। हाय भाई गुरु, देखो आपने दूध का क्या हाल कर दिया। हेलो एवरीवन, आप सबको हमारी तरफ से राम राम। तो मैंने कहा कुछ कलरफुल सूट पहनते हैं। कलरफुल दुपट्टा और वेलवेट का सूट है। अब ठंड आ गई है ना, तो मैंने कहा चलो वेलवेट के सूट पहनते आज से। सासू माँ ने कल गिफ्ट किए थे एयररिंग्स, मैंने कहा चलो वो पहनते हैं। बहुत हल्के हैं, मेरे को बहुत पसंद है। और यह है दुपट्टा, लीजा को मिला था पर बहुत बड़ा वो ले नहीं सकती। उसने डांस किया था ना तो उसको मिला था, पर मेरे से भी नहीं लिया जाता, 2.5 मीटर का है, देखिए कितना बड़ा है। तो मैंने कहा चलो मैरून सूट के साथ ये वाला दुपट्टा लेते हैं। हाँ बेटा चलते हैं बाहर, अरमान को लेके चलते हैं बाहर। अरमान को 2 बार दिन में बाहर जाना ही होता है। अरमान ने मेरे को बताया, मम्मा रात मैंने यहाँ पर दिए जलाए थे और मैं ना अभी इनको उठाती हूँ, और टोमेटो अभी तक भी लग रहे हैं, ठंड आ गई फिर भी मन नहीं करता कि मैं इनको उखाड़ूं। अभी आ गया सूरज देवता। कल वाली सब्जी खाई नहीं किसी ने, अभी मैंने कहा सुबह यही खाओ, शाम को कुछ और बना लेंगे, क्योंकि सब्जी वैसी की वैसी पड़ी। हम लोग गुरुद्वारा साहिब से लंगर छक कर आ गए थे, साहब खा रहे हैं। हाँ, बाहर नहीं जाना बेटा, पहले रोटी खा लो। तो अभी हम रंगोली को क्लीन करते हैं। रात को आ गई बारिश, बारिश की वजह से चिपक गए हैं कलर, अभी मैं इसको क्लीन कर दूंगा, ही फिर दाग ना पड़ जाए। वैसे तो ये दूसरा कलर है होली वाला, मेरे को लगता नहीं ख़राब होगा, पर फिर भी मैं धीरे धीरे उठाने की कोशिश करती हूँ। क्लीन करते हैं इसको। बाहर इतनी ठंड हो गई है, मैंने तो मोटा सूट पहना तो फिर भी बाहर आते ही ठंड लगने लग गई है। देखती हूँ किससे उठा सकती हूँ, लेके आती हूँ कुछ। वो लोहे वाला किधर गया भाई, ये वाला। झाड़ू से तो मेरे को लगता है ना कुछ नहीं होगा इसका। अवलीन ट्रे लेके आओ। आसानी से हो गया ना, कच्चे कलर है ना ऊपर गए बस, बाद में थोड़ा सा पोचा लगा देंगे। उठा कर ये उठा देती हूँ। दिए भी इकट्ठे करके क्लीन करके रख देते हैं अंदर जाकर, क्योंकि धो तो सकते नहीं इनको। अभी मैं लेके आती हूँ खाने वाला और उठा देती हूँ। हाँ बेटा इधर ही, मैं यहाँ पर हूँ बेटा, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। अवलीन ने ढेर सारे कलर लगाए, कलर ही कलर अवलीन के। अभी मैं करती हूँ दियों को क्लीन, फिर ना स्मेल सी आने लगती है, क्योंकि धो तो सकते नहीं, कलर उतर जाएगा। तो ऐसे लेके वाइप्स इसको क्लीन करके ना इनको बांध दूंगी बस मैं, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए रख लेंगे। नेक्स्ट ईयर कुछ और नया करेंगे, वाहेगुरु जी सब ठीक रखेंगे। मैंने कहा लगे हाथ ये काम भी कर ही दो। हाँ आजो आजो गाइस को क्या दिखाना है। मम्मा इधर ही बैठी बेटा, निकाल दे बत्तियां। गाइस देखो ड्राइंग बनाई। हाँ दोनों ने बनाई ड्राइंग। कैसे अरमान 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 बहुत अच्छे से कलर करने लगा। वाह भाई वाह, और अरमान ये इतनी सुंदर सुंदर बनाए आपने तो। देखो अरमान ये मैंने चारों कर दिए, अभी ये रहे। अच्छे से पोंछ देती हूँ। ये वाइप्स ना वो है सोप वाले, तो इनमें से सारे वो निकल जाएगा तेल का, अच्छे से क्लीन हो जाएंगे।
ये छोटी छोटी मटकियाँ भी, मटकियों को भी क्लीन कर देते हैं। कितनी प्यारी है अवलीन, है ना? वाह, मेरे को बहुत प्यार लगी है मटकियाँ। पहले तो दिए आते थे प्लेन, हम लोग पहले ही पानी में भिगो देते थे 2 दिन। आजकल तो बहुत अच्छे डेकोरेट वाले दिए मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे जब हम छोटे थे। अवलीन बेटा, दूसरी साइड से भी दिए लेके आओ, जाओ। मम्मा बैठी वेट कर, दूसरी साइड भी 4-5 पड़े हैं। हो गए ये? हाँ, ये रह गए। करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ और फिर फ्री हूँ, फिर जाएंगे ग्रोसरी करने। 2 दिन में तैयारी में ही लगी रही, मैं अच्छे से ग्रोसरी नहीं कर पाई, तो आज चलते हैं ग्रोसरी करने। वो लेके आते सामान, दही वगैरह खत्म है, थोड़ा सा बाहर भी जाऊंगी पार्क। 2 दिन गई नहीं, 2 दिन साहब की छुट्टी थी तो मैंने इनको भेजा अरमान के साथ। आज मैं जाऊंगी फ्री होकर। अलीजा अपना काम करने लगी है, होमवर्क बनाने लगी है। अवलीन लगी अरमान के साथ खेलने, मेरे दिए क्लीन हो गए। मैंने कहा कपड़े सुखा दूं, साहब कहते मैं उठाता हूँ ऐसे। मैंने सारा कर दिया क्लीन, बस अभी उठाना ही है। कलर पक्का है क्या? नहीं, कच्चा होली वाला। इस पे कपड़ा या पोछा लगाएंगे ना तो क्लीन हो जाएगा। चलो, हाँ। नहीं नहीं नहीं, नए ले आएंगे। आराम से निकल जाएगा होली तक। नहीं 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 भाई, होली वाले कलर है ना? हाँ, होली वाले थे, मेरे पास दूसरे नहीं थे। अवलीन की गुड्डी, अरमान का गुड्डा। चलो भाई, अरमान कहता मैंने साइकिल चलाना है, हम लोग चलते हैं ग्रोसरी करने। मैंने कहा लीजा अवलीन तो ले रही अपनी ऑनलाइन क्लास, तो हम निकल उतरे, हम ग्रोसरी करके आते। और दही ना हो ना घर में तो अरमान खाना नहीं खाता। फ्रेंड्स क्या करें, आज मैंने 1 चम्मच बची थी वही दे दी उसको, और अभी हम लेके आते हैं जल्दी से सामान। ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से फ्रूट वो खाता है, एप्पल क्यूकम्बर दही ऐसी चीज़ें खाता है, वही ले आ देंगे बस। साहब को मैंने कहा चलो आप, क्योंकि अरमान मेरे से संभलता नहीं, छुट्टियां है ना। अरमान वेट, अरमान गाड़ी आ सकती, रुको बेटा। देखना पैर कहाँ पे रखे हैं, अभी तो साइकिल चलाना आ गया तो स्टंट भी करने लग गया लड़का। और क्या साहब, हमसे आज चले। देखना यहाँ पर येलो पत्ते है ना, तो थोड़ा सा कलर लाइट है। तोड़ ले इसमें। नहीं नहीं मैंने स्विमिंग नहीं करनी। करना करना अरमान, वो करना शिवा वाला, करना शिवा वाला। ये अभी देखना, चलो ये सोचता मैं ही साइकिल चला सकता हूँ भाई। चलाता बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छे से चलाता। आगे मैंने बुलाया और आगे देखना। अफलीन अफलीन, देखना देखना, इन जानवरों को भी पता चल जाता है ना कि कौन प्यार करता है। क्योंकि हमारे घर में बिल्ली थी ना मम्मा के घर पे, ब्लैक कलर की, तो ये उठाकर उसको बैठते थे। अरमान से डर गई ना। दादी के घर पे भी बिल्ली था बेटा, पुश वे पुश गई। आजा चलो, ये भगा देता है। सब लगाया, तीनों जगह रखे ना घर में, जो पुराना तेल है वहाँ रख सकते हैं, छोटे वाले ड्रम में। अरमान इधर आओ, आज अरमान देखना अपनी गाड़ी लेकर आया, कहता मैंने गाड़ी चलानी है। अभी हम लोग देख रहे हैं एप्पल्स, इतनी वैरायटी है ना फ्रेंड्स, पता नहीं चलता कौन से एप्पल। ये सोना नहीं एप्पल, अभी साहब कहते हैं हाँ ये वाला ठीक है, देखते हैं। अभी ये लोग काट कर फेंक देते हैं, फिर बाद में बड़े बड़े देखो बैग मिलते हैं, किसी में से खट्टे निकलते हैं, किसी में निकलते हैं थोड़े से सॉफ्ट। फिर अवलीन कहती मैंने हार्ड वाले एप्पल खाने। मैं लेने आई थी जूस, देखना ये मैंगो का मिला इसका, 1 यूरो का लगाया उन्होंने 2 यूरो से। और एक हम ले लेते हैं ऑरेंज, वीक में 2 डिब्बे चलते हैं, मैं तो कम ही पीती, बच्चे पीते स्कूल से आकर। ये कॉफ़ी देखो 5.5 यूरो की लगाई है। सामान में ज़्यादा वैसे ना वो ऑफ करते रहते हैं, पर इस बार ज़्यादा नहीं है कुछ, तो हम लोगों को दूसरी दुकान पर जाना पड़ेगा। टॉयलेट पेपर देखिए,
यहाँ पर लगे हैं 7 यूरो के, पहले 15 यूरो के थे, हमारे तो बहुत पड़े हैं। चलिए ले ले। हाँ ये ले लो, हाँ ब्लीच वाला ले लो टॉयलेट के लिए, है ना? ओके। एक ही ले लो, एक ऊपर के लिए, 1 यूरो का, 1 यूरो का एक लगा लो, इससे ना बदबू नहीं आती टॉयलेट में, क्लीन रहती है। यहाँ पर है सोप, ये 10 यूरो के 2 देते हैं, देखना कितने छोटे हैं, इतना छोटा 5 यूरो का, ये तो 2-3 दिन में खत्म कर दूंगी मैं। बस हाँ हाँ देखना आराम से चलते, पता नहीं कहाँ पर आ गए, मैं थक गई इनके वेट करके, मैं आती हूँ तो। हाँ वो ले लो, एक मिनट में मैं, आइसक्रीम ठंड है बेटा। हाँ चेंज कर लेते, आ जाओ चलो हम दूसरी दुकान पे चलते हैं अभी, आइसक्रीम नहीं जो और कुछ ले लो बेटा। हाँ अरमान को हर एक दुकान में कुछ ना कुछ लेना, इसमें छोटा ना ट्रॉली मिलता बच्चों का, पहले हम पैसे दूसरे लेके उसमें 2 यूरो जाते थे, इसमें जाता है 1 यूरो, अभी हम फिर से खुले करवाने गए पैसे, कॉइन मिलता है बेटा, पापा कॉइन लेके आएंगे 1 यूरो का। अरमान ना कर पोते, तुमने लोग टपते, अरमान नो, अरमान देखो आगे लोग पीछे 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 हो, मिल गया डालो डालो डालो, इसमें 50 सेंट जाता है। क्लोज इट, क्लोज करो, क्लोज करो, तुम दे दे कर देगा अरमान। हाँ अब खुल जाएगा, आज चलो भाई आज अरमान ग्रोसरी करेगा, आ जाओ बेटा आ जाओ, खोलना नहीं, आ जाओ साहब के लिए मशरूम लेते, पोर्टोबेलो जंबो। अच्छा वो लेनी बड़े वाली, हाँ चलो ये ले लो, हाँ उसके पास रखो भाई, मीट करके गैलेक्स रखे हैं, मेरे को ये अच्छी लगी है ना, हाँ बहुत बड़ी है। अंगूर कितने के दे रहे हैं इधर देखें, रेट ही नहीं लिखा, वो थोड़ी खराब ही लग रही है, हाँ देखो इतने महंगे हैं ये, थोड़ी देखना फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड है वो कहते हैं ना स्विट्जरलैंड में बहुत महंगा है टोफू, यहाँ पे देखना 1.5 यूरो का, तो हम लेते हैं एक टोफू, तो हम बनाएंगे इससे कुछ। अरमान देखो बहुत ज्यादा आ गया अब तो ना, यहाँ पे सारा वेजिटेरियन है, हाँ ये पूरा है वेजिटेरियन का, पहले नहीं होता था जब मैं आई थी, अब यहाँ पर जो बर्गर वगैरह देते हैं वो महंगे देते हैं वेजिटेरियन के, 4-4 यूरो के, हाँ 3.5 यूरो 4 यूरो। आज ये सब वेजिटेरियन है, एक पूरा यहाँ पे लिखा ना वेगन, ये वेजी है। हाँ यहाँ पर नान भी मिलते हैं, देखिए रोमेनियन वैरायटी देखना, ये फ्रेश पिज्जे हैं जो बना कर रखते हैं, हाँ वो ही है, एक साथ कितनी वैरायटी है पिज्जे उनकी, ये फ्रेश है। 7 यूरो की 2 7 यूरो के 2 बहुत महंगे हैं। चलो आगे चले, ये देखो पिज्जा मगरेटा है ना, पेपरोनी पिज्जा। चलो की है कुछ नहीं है वो तो, अरमान बस एक ही पंजाबी वर्ड बोलता है कि हाँ मील्स, गोरे ऐसे ले जाते हैं बस डिब्बों वाले मील और गर्म करके खा लेते हैं। हाँ अलीजा भी ले जा सकती है स्कूल, पर वो शर्माती बहुत है, कभी तो बोलती है मैंने बॉल खाना है, फिर नहीं लेती, खा लो ये देखो रोटी चिकन विद अंडा, ये मसाले वाला मीट है ये, है ना साहब। अब ये भी देने लगे 800 रुपए की रोटी इतनी, उसमें एक पीस रोटी का देखिए और एक एग का और चिकन है और थोड़ी सी सब्जी, 800 रुपए है। आइस आइस ले लो, ले लो आइस, आइस पेर आइस, मैंगो आइस, हाँ पेर आइस ले लो, या ले लो, ये नहीं जाएगा बिना आइसक्रीम के। हम लोग ना दोनों शॉप का कंपेरिजन कर रहे हैं, कहाँ पे रेट ज्यादा है और कहाँ पर कम है, इसमें भी इस दुकान में भी रेट बहुत ज़्यादा है। देखो स्मूथी के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सब हम लोग स्मूथी ले बनाए, है ना, हाँ वो बुलाओ बेसन है, 2.55 थोड़ी हो सकता है, नहीं उस पर लिखा है, या मैंने देख लिया, हाँ मैंगो भी मिलता है, अच्छा 250 ग्राम बहुत छोटा फिर है ना, कभी कभी ये भी करते हैं ना, बड़ा पैकेट रख के रेट कम लगाते हैं, मेरे ख्याल में 5 यूरो का ये,
और अरमान के लिए क्या लेने, अरमान के लिए वो लेने चिकन निगेट, वो इसी शॉप में मिलते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं, पर मैं ढूंढती हूँ। यहाँ पे तो और महंगे हैं, शायद ऊपर हो इस कंपनी के जुम्बो के ये शायद। अभी हम लोग लेते हैं फ्राइज, 4 यूरो के देते हैं, 2.5 किलो 2500 ग्राम देते हैं। अरमान वेट बेटा, पापा कहते ये नहीं लेने, कहते जिनके साथ छिलके हों वो खाने, मैंने तो वो मेरे को दिख नहीं रहे छिलके वाले, शायद ये है साहब, ये वाले ये इनके साथ छिलके हैं, ये थोड़े से मोटे भी काटे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे ना। चलो अरमान आपकी बगी भर गई, चलो अभी और कुछ लेना। दुकान पर आकर पता नहीं मैं क्यों भूल जाती हूँ, चिकन निगेट, हाँ चिकन निगेट यहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं इस दुकान में, उस दूसरी दुकान में तो मिलते ही नहीं। 25 पीस 2.5 यूरो के, इंडिया से भी सस्ते हैं। हाँ ले दो, वो खाती है ना दोनों, हाँ चलो भाई। आज मम्मा नो खाना है ना, मम्मा ने खाना नहीं, भाभी मम्मा अभी तो मम्मा ने रोटियां बनाई, माँ कभी नहीं रह सकती बेटा। हाँ कितना हो गया आसमान भर गया अरमान का, हाँ 7 यूरो का 1 मील। यहाँ पे हाई प्रोटीन मील्स लिखा है, हाँ ये सब्जियाँ बहुत अच्छी, 7 यूरो के हैं। बॉडी बिल्डर, हाँ जो लोग फ्रिज में रख लेते हैं ना और गर्म करके खा लेते हैं, ऐसे खाते हैं, हाँ इसलिए ये ही ज़्यादा बिकता है। चलो बेटा अरमान पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आया, आ जाओ। मानी मानी है नहीं मेरे पास मानी बेटा। अवलीन का साइकिल ठीक हो गया, नया टायर डाल दिए साहब, कहते अब ये सबसे अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल अच्छा हो गया। अरमान गिराना मत बेटा, आपका साइकिल है इस पे वो क्रेट लगा देंगे ना वो, हाँ ऐसे है ना पिंक कलर का लगा देंगे और फिर अवलीन खुश है। मैं जाकर देखती हूँ क्या, मेरे ख्याल लगता दूध निकल गया साहब, देखना दूध रख के भूल गए, हाय वाई गुरु। देखो दूध का हाल, मैंने कहा भी था, मैंने कहा साहब बंद कर दो, हाय मेरे को लगता नीचे लग गया, हाय मेरा दूध ही जला दिया, देखो मलाई ओ इनका भी ना बस दिमाग, मैंने बोला भी था मैं साहब आपने दूध का क्या हाल कर दिया, और दूध सारा निकल गया, हाँ आप को बोला था ना बंद करके जाओ, यकीन नहीं आ रहा देखो क्या हाल की है, और देख मैं तो थले लग गया है सारा, हाँ मैंने कहा था बंद कर दो, हम लोग आते हैं, और दुकान पर जाके भी महाराजा जैसे चलते थे वहां पर भी मेरा थक गई, पर ये लोग निकले नहीं ग्रोसरी स्टोर से बाप बेटा, मेरे तो जान अटक गई वहां पे जाकर, और हो गया सब कुछ। हाय मैं अब बैठती हूँ सच में, मैं तो पहले ही थकी थी, पनीर हो गया, स्मेल भी आने लग गया, नहीं नहीं वो जो हुंदा नहीं काट नहीं आता, तो वो हो गया ज्यादा ही काट गया, खोया बन ओ, और अवलीन आ गए, मैंने इनको बोला साहब जल्दी ग्रोसरी करो, जल्दी ग्रोसरी करो, करी नहीं फ्रेंड्स ग्रोसरी। आप वहाँ पे ड्राइंग बना रही हो दीदी, वहाँ पे क्लास ले रही है, इस एंड एंडो में दोनों मम्मा गई, आपने भी कर लिया, आर्ट क्लास थी अवलीन की, मैं तो अभी सांस लूंगी ना, जेंट्स का काम देखो, पापा ने सारा दूध निकाल दिया बेटा, तुसी भी नहीं देखा पुत्र, अब तो ऊपर थे, आज आपने क्या बनाया, आज अलीजा अवली ने आर्ट क्लास ली है, वाह ये अलीजा का है। अलीजा भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है ना, अब तो पूरी गुड़िया बनाने लगी है जब से ये आर्ट क्लास ले रही है, वाह अवली दोनों ने बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि बच्चों पे इतना बर्डन हो गया आजकल, सारा दिन स्टडी करते रहते हैं और बेचारों को टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए कुछ फन भी चाहिए ना, तो इसलिए हम अलीजा अवली को आर्ट क्लास करवाते हैं फ्रेंड्स, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आप लोग भी आर्ट क्लास करवाते हैं, मेरे को खोलनी पड़ेगी अब दांत से, लो डस्टबिन में डाल दो,
और अगर आप लोग भी आर्ट क्लास लेना चाहते हो तो टीचर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फ्रेंड्स, एक ही नंबर आप वहां पर बात कर सकते हो। और अगर आप लोग कुछ और करना चाहते हो, डांस सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो और पियानो सीखना चाहते हो, ढेर सारे एक्टिविटीज हैं जो आप करना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, तो एक ही नंबर है फ्रेंड्स, टीचर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उनके साथ बात करना, अपने टाइम टेबल के हिसाब से सेट करना, बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करवाना, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर बैठकर ही कर सकते हैं ऑनलाइन, और हम देख भी सकते कि बच्चे क्या करें। आजकल माहौल इतना ख़राब है, हम बाहर नहीं भेज सकते ना, तो घर में भी बच्चे सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बाहर ही भेजना है। और मान को मिल गई आइसक्रीम, मेरा गला खराब है और मैं बोल रही हूँ। हाँ बेटा वो आइस है, आजकल ठंड ज्यादा हो गई ना तो आपको लगता है कुछ और लगा, इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है और कुछ नहीं। नहीं दुखी वहां से लो, ये एलिजाबेथ की ड्राइंग है, दुखी ले लो ले लो। नहीं मेरा शॉल, हमें चुन्नी नहीं लेनी बेटा, ये मेरा दुपट्टा है, नहीं ये नहीं लेना, ये तो सुंदर है। ये रखो टिशू पड़ा, ये देखो फ्लावर के पास, ये ले लो। अरमान यहाँ से चीज उठाता वहां पे रखता है, ये अरमान मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसको कुछ दिख गया ना अपना शूज या अपना कोट, अपने आप बस संभाल के रख देता, उसको पता मम्मा का दुपट्टा या कोई बात नहीं मैं उठाती, ये ले लो दुपट्टा हैवी है ना बेटा, हाँ ओनली वन है, ओनली वन, ओनली वन, ओके नहीं थोड़ा नहीं पूरा फाड़ लो बेटा, चलो कर लो क्लीन, आइसक्रीम को क्लीन करो। बर्फ उतार दी इसने, वेरी गुड, ये मैं क्लीन करूंगी, लाओ कुछ नहीं होता इसको, रख हम, मेरे को पता काला हो गया, अब हम उसको छेड़ते नहीं, दूध निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे, पड़ा रहने दो, हो गया सो हो गया, अब पूरा फुल भरा था, इतना हो गया कड़ कड़ के, अगर हम एक घंटा और नहीं आते तो ये हो जाता खोया, अपने आप अपने आप खोया बन जाता साहब के लिए। मैंने बोला भी था, मैंने कहा साहब निकाल दो, मेरा ध्यान से निकल गया क्योंकि मैंने नहीं रखा था ना, अगर कोई चीज मैं रखती हूँ ना तो मैं उसी टाइम उतार देती हूँ। हाँ बेटा टीवी देखना, टीवी हाँ देख लो, मिठाई खा लो फ्रेंड्स, कल तो मैं दिखाना ही भूल गई, मैंने लिए बेसन की बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और जलेबी, साहब को भी टेस्ट करवाते हैं और मैं पीऊंगी ब्लैक टी, उनको बोलती अपना दूध पी लें जो इतना उन्होंने बनाया आज, तो चलिए बैठते हैं आराम से पीते हैं ब्लैक टी। मैं साहब जी मिठाई नहीं खाई आपने, थोड़ी सी ले लो, जाओ भाई बाहर बाय, हाँ इतनी ठंड हो गई भाई, दू अरमान दू खेलने जा रहा है। 4 बज गए हैं तो मैंने कहा डिनर की तैयारी करती है, नूडल्स चाइनीज मैंने लेकर रखी है, अभी मैं देखती हूँ कितने मिनट इसको उबालना है, बाद में बस सोया सॉस डालकर तड़का लगा देंगे। 1 लीटर का बोला है, 11 मिनट बोला है, पानी मेरा सारा हो गया गर्म, तो अभी मैं बना देती हूँ, देखिए कैसे है ना, पानी उबलने लगेगा तो हम ऐसे छोड़ देंगे तो अपने आप हो जाएगी, कैसे बनाते हैं, इंडिया में तो दूसरी मिलती है, नहीं देखी मैंने, यहाँ पर तो ये अलीजा की फेवरेट, साहब की फेवरेट, अवलीन की, बस एक मैं ही नहीं खाती, मैं तो सिंपल, मेरे पास सब्जी पड़ी, रोटी पड़ी है, ये लोग खाएंगे सोया चिकन और ये वाली नूडल्स, अरमान भी शायद खा ले, कहते मेरे लिए बना दो, मैंने कहा बना देते हैं, है ना, अभी ऐसे खड़ी कर दे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, ऐसे रख देंगे, अपने आप नीचे चली जाएगी। अभी हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल देते हैं, बस अभी जा रहे नीचे, धीरे धीरे उबलने लगा पानी, अभी जाएगी। ये मोटी वाली नूडल्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका नाम बामी, वैसे है तो नूडल ही, इसको चिल्ली सॉस डालकर, थोड़ी सी सोया सॉस डालकर, चाहे सब्जियों का तड़का लगाओ, जैसे आपका मन करता है वैसे बनाओ, है तो बस नूडल ही, अपने अपने नाम है। और इधर चिकन को रख दिया, सामान डाल दिया, इसमें सोया डाल दिया, लहसुन, और 2 तरह का सोया डाला हमने, एक तीखा और एक मीठा,
अभी हो जाओ भाई, मैंने अभी ये नीचे जाने लगी, गई ना देखना। चलो भाई, गई नीचे उबलने लगी, 10 मिनट में उबाल आ जाएगा इसको, बस ढककर में 10 मिनट पकाती हूँ। अभी मैं बनाऊंगी ब्रोकली, थोड़ा सा मैंने घी डाला, मैंने कहा आज कुछ हेल्थी बनाते हैं, ब्रोकली मैंने डाल दी है। अभी हम डाल देते हैं नमक और डाल देंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर डाल दिए, इसको ढक के पकाते हैं धीरे धीरे हिलाकर, अच्छे से हो जाए। स्टीम वाली तो हमारे घर में कोई नहीं खाता, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं घी डालकर बना देती हूँ। और इधर हमारी नूडल्स उबल रही हैं, अभी मैं नूडल्स को भी तड़का लगाती हूँ। अभी हम बनाते हैं नूडल्स, मैंने थोड़ी सी लहसुन इधर काट ली है और कुछ लहसुन मेरे पास इसमें है। अभी हम अनियन और लहसुन इकट्ठा ही डाल देते हैं, इसको अच्छे से भूनते हैं। अभी हम डालते हैं सॉस, एक डालेंगे ये और एक मेरे ये वाली सॉस, दोनों सॉस को डालकर भूनते हैं। प्याज भून गया, मैंने थोड़ी सी उसमें मिर्ची भी डाल दी है, अच्छे से सॉस डालकर पकाते हैं। गेर भी डाल, दोनों मिक्स कर दें। नूडल बस डालते हैं, नूडल निकालने वाली नूडल है ना आपके गिर गई सारी इकट्ठी होगी। तो अभी हम फोर्क लेके इसको धीरे धीरे ऐसे करेंगे, मिक्स हो जाए सब चीज़, धीरे धीरे ये आ जाएगा कलर देखना नूडल। बच्चे तो यहाँ पर प्लेन खाकर खुश रहते हैं, इंडिया में हम लोग डालते हैं ना शिमला मिर्च पनीर, मैंने कहा रहने दो, फिर बोलेंगे बच्चे मम्मा हमारे लिए बनाई क्यों डाली सब्जी, सब्जी इसलिए मैंने अलग से बना दी साहब के लिए। ओ भाई डिनर को करते हैं सर, हमारी नूडल्स बन गई है, अभी हम डालेंगे प्लेट में नूडल्स। हाँ अरमान आ गया गाना गाने, इसको पता है। थोड़ी सी डालेंगे ब्रोकली, ये है बड़ों की प्लेट अलीजा की। अभी रखते हैं चिकन, उसके लिए और साथ में सब्जी। आज हमारा चाइनीज खाना हो गया, चाइनीज ऐसे खाते हैं, हम चाइनीज रेस्टोरेंट में जाए ना वहाँ पर ऐसे ही मिलते हैं। और थोड़ा सा वो भी रखनी ना पीनट बटर की सॉस, उसमें होती है मिर्ची। खा लेगी अलीजा? हाँ अलीजा खा लेगी, अब लीन अलीजा खा लेगी और माने। हाँ बेटा खाना, सॉस भी डाल दी ऊपर। और ये है आज का डिनर फ्रेंड्स, सिंपल सा डिनर बनाया, हो गया रेडी, अभी देते हैं बच्चों को। आ जाओ अलीजा अवलीन, मैं देती हूँ एक फोरक अलीजा का, फिर अरमान और अवलीन के डालते हैं। हाँ अरमान बहुत अच्छा है। आप भी जल्दी जल्दी खाना खा लो मेरे छोटे छोटे फ्रेंड्स। पपाया 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 लेकर माँ तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करो। आ